वेलकम टू तिवारी क्लास। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे जो छत्तीसगढ़ में बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग साथ ही साथ पोस्ट बेसिक की आपकी काउंसलिंग स्टार्ट है, उसको आपको आप लोग को स्टेप बाय स्टेप आपको काउंसलिंग कैसे करनी है। सबसे पहले आप लोग क्या करना, आपको इस वेबसाइट को आपको क्या करना, आपको खोल देना। जैसे आप लोग वेबसाइट को खोल दोगे cgdme.yaad से, किस वेबसाइट को आपको खोलना है, तो आप लोग बोलोगे सर हमको वेबसाइट खोलना है cgdme, ठीक है ना। इस वेबसाइट को आप लोग क्या कर लोगे, आप लोग अपना ओपन कर लोगे। जैसे ही वेबसाइट को आप लोग ओपन कर लोगे, ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको क्या इस पे किस पे क्लिक कर लेना है, आपको इस पे क्लिक करना। आप लोग बोलोगे किस पे, नर्सिंग एमएससी पोस्ट बेसिक बीएस नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे आपको क्या करना है, आपको बाबू इस पे आपको क्लिक कर लेना। जैसे इस पे क्लिक कर दोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की टैब खुलेगी। यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए, अगर आपके सामने बहुत सारे आपको फंक्शन दिए गए हैं, अगर आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, अगर आपको एमएससी नर्सिंग का करना है तो एमएससी नर्सिंग पे क्लिक कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन, या आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग एडिट कर सकते हो। और यहाँ पे सबसे पहले तो हम आपको क्या करें, हम आपको बीएससी नर्सिंग पे हम आपको क्लिक करके दिखाएंगे, ठीक है ना। चलिए आपको जो जिस पे करना होगा आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। जैसे क्लिक करोगे इस प्रकार के सर्फेक्स खुलेगा, यहाँ पे आपको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। जैसे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लोगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको क्या देना है, रजिस्ट्रेशन आईडी देना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन आईडी के बाद यहाँ पे आपको रोल नंबर दे देना है, ठीक है। रोल नंबर देने पर बाद यहाँ पे आपकी परसेंटाइल, फिर आपको यहाँ पे डी ओ भी दे देना है, फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देना है, और यहाँ पे ईमेल आईडी दे देना है। ये सारी चीज देने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आपको सबमिट वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक कर लोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की टैब खुलेगी। कि बच्चों जैसे ही आप लोग आगे बढ़ जाओगे, आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आपके फोन पे ओटीपी जाएगी। ओटीपी डाल के आपको क्या करना है, यहाँ पे ओटीपी डाल के आपको क्या करना है, वेरीफाई ओटीपी डाल के आपको यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको लॉग इन कर लेना। जैसे ही उसके बाद आगे बढ़ जाओगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की टैब खुलेगी। ओटीपी डाल के वेरीफाई कर लोगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, उसके बाद लिखेगी कि योर रजिस्टर सक्सेसफुल रजिस्टर, यहाँ पे आप लोग रजिस्टर हो चुके हो, और आपका जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों जगह पे भेजी जा चुकी है, और आपको यहाँ पे लॉगिन वाले पेज पे आपको क्लिक कर लेना, और ये आपकी ईमेल और जो आपके मोबाइल नंबर पे जो गई है उसी को डालकर फिर से आपको लॉगिन कर लेना पड़ेगा। चलिए हम आपको यहाँ पे लॉगिन वाले पेज पे फिर क्लिक कर दिए। अब आप लोग फिर से हम लोग यही टैब पे आ गए, और हमारे जो ईमेल या हमारी जो फोन पे जो हमारी लॉगिन आईडी रजिस्ट्रेशन पासवर्ड गई है उसी को ही डालकर, और साथ ही साथ इस कैप्चा को डालकर अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम आपको एंटर कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम आपको एंटर कर लेते हैं जो हमारी फोन पर पासवर्ड और यूजर आईडी आई है उसी को क्लिक करके। बच्चों जैसे ही आप लोग आगे बढ़ जाओगे, आगे यहाँ पे आपको टैब दिखनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आपको टैब दिखनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे केएम पूजा करके यहाँ पे आपको डैशबोर्ड दिखाई देगी, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको दिखाई देगी। चलिए हम आपको क्या करते हैं, हम आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे हम आपको क्लिक करके आपको दिखाते हैं। बच्चों जैसे आप लोग आगे बढ़ जाओगे, आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे इस प्रकार की आपको टैब दिखने को मिलेगी। ओके बच्चों जैसे आप लोग आगे बढ़ जाओगे, आगे बढ़ने पर देखोगे आप लोग के सामने इस प्रकार की टैब खुलेगी। ऊपर आपका नाम हम सब शो करेगा यहाँ पे कि आपकी कितना मार्क्स है, और आपकी सेक्स में मेल है या फीमेल है सब आपको दिखना शुरू हो जाएगी। आपका व्यापक ब्रांक कितना परसेंटाइल है, ऊपर आपको नाम हम सब दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि क्या आप छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल है। यहाँ पे अगर आप छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल होंगे यस, तो यस पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज नो तो नो पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इतना पॉइंट हम आपको क्लियर कर दिए। उसके अलावे यहाँ से आपसे पूछेगी यहाँ पे कि सिलेक्ट कॉलेज टाइप, तो यहाँ पे आप लोग जैसे ही अगर आप लोग यस करोगे तो यहाँ पे आपको आगे आपको यहाँ पे अगर यस करते हो तो आगे यहाँ पे आपको टैब आपको दिखने शुरू हो जाएगी कि किस टाइप की कॉलेज आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट या प्राइवेट, ठीक है ना। आपको यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगी। फिर पूछता है सीजी में कैटेगरी, तो अगर आप छत्तीसगढ़ सेलेक्ट करते हो यहाँ पे क्योंकि आप छत्तीसगढ़ डोमिसाइल यस है, तो यहाँ पे सीजी कैटेगरी कैटेगरी कौन सी है। तो जैसे ही अगर आपने यहाँ पे अगर आप लोग यस कर लोगे तो यहाँ पे आपको कैटेगरी भी शुरू हो जाएगी कि आप जनरल है कि ओबीसी है कि एसटी है कि एसटी है, तो आप लोग यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ से पूछ रहा है कि क्या आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपका डोमिसाइल है, यहाँ पे भी यस या नो आप लोग अपना सेलेक्ट कर लोगे। फिर पूछ रहा है कि परमानेंट एड्रेस आपका कहाँ पे है कास्ट सर्टिफिकेट का, यहाँ पे भी आपको अगर यस नो का ऑप्शन देता है तो आप लोग यहाँ से भी आप लोग अपना सेलेक्ट कर लोगे कि आपकी परमानेंट कास्ट सर्टिफिकेट आपकी सीजी की है या नहीं, ठीक है। इतना डाउट आपका क्लियर कर दिए। उसके अलावा यहाँ से पूछेगा कि क्या माइनॉरिटी है, यहाँ पे माइनॉरिटी मतलब होता है अल्पसंख्यक, तो अगर माइनॉरिटी है तो जैसे मान लीजिए अगर आप हिंदू हैं तो आप यहाँ पे बिल्कुल आप हिंदू हैं तो आप यहाँ पे नो पे सेलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज बुद्धिस्ट होंगे तो बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन होंगे तो क्रिश्चियन, जैन होंगे तो जैन, सिख होंगे तो सिख, मुस्लिम होंगे तो मुस्लिम, लेकिन अगर आप लोग हिंदू होंगे तो आप लोग नो पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके अलावा कितने बच्चों ने पिछला बार जब छत्तीसगढ़ की काउंसलिंग हुई थी कितने बच्चों ने ये बहुत गलती कर लिया था यहाँ पे कि क्या आप
कितने बच्चों ने कि यहाँ पे वर्तमान में जो स्वास्थ्य सेवा है इसके अधीन कर्मचारी हैं, कितने बच्चों ने यहाँ पे यह सिलेक्ट कर लिया था। यहाँ पूछ रहा था कि क्या आप इन सर्विस में हैं, क्या आई मीन क्या आप सरकारी जॉब में हैं, तो भूल कर भी बच्चे इधर उधर इसको यस मत सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज आप यस सिलेक्ट कर लोगे और यहाँ पे यस या नो का, तो आपको यहाँ पे अगर अदरवाइज आपको सरकारी में अगर नहीं रहते और गलती से सिलेक्ट हो जाती है तो फिर आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। पिछला बार हमारी कितने बच्चे का हमारे साथ हुआ है, इसलिए यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि क्या आप सरकारी कर्मचारी हैं, अगर आप सरकारी जॉब करते हैं तभी आप यस दीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे आप लोग नो दे दीजिएगा। ये सब सारा आपका हो जाएगा। करने के बाद आपको यहाँ पे आप लोग आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ने बाद यहाँ पे बाबू आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको बता दें यहाँ पे फिजिक्स में कितना मार्क्स है, टोटल कितना मार्क्स का फिजिक्स में आपका था, केमिस्ट्री में आपने कितना लाया, केमिस्ट्री में टोटल आपका कितना, मतलब कितना नंबर में कितना नंबर था, बायोलॉजी मान लो कि यहाँ पे 100 में आपका कितना नंबर आया था और बायोलॉजी कितना कितना फुल मार्क्स का था, ये सारे आप लोग कर लोगे आपको यहाँ पे हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे आगे आगे क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पे आगे दे रहा है कि सब्जेक्ट नेम। उसके अलावा ये भी यहाँ से आप लोग आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, अगर बायोलॉजी तो यहाँ पे आप लोग अपना, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आप ऊपर डाल दी हो तो या बायोलॉजी आप लोग यहाँ पे आप लोग डाल सकते हो, अदरवाइज आप लोग अपना देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट तो आप लोग देख ही रहे हो। इसके बाद यहाँ से पूछ रहा है कि 12 यहाँ से पूछ रहा है, अगर आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देखने की कोशिश करोगे कि 12 पास इन इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बिल्कुल क्या आपने किया है, बिल्कुल किया है, अगर किया होगा तो आप लोग यस पे सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है ना, ये आप लोग अपना देख लीजिएगा। इतना बात आपका डाउट क्लियर कर दी। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश से पढ़ा है, किए होंगे तो यस पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए इतना पॉइंट आपका क्लियर कर दिए। फिर आगे आपसे पूछेगा, अगर ध्यान से पॉइंट देखने की कोशिश करोगे यहाँ पे, तो आगे आपसे 10th यहाँ से पूछेगा कि 12 का में कितना आपको परसेंटेज, आपको टोटल मार्क्स कितना प्राप्त हुआ, और 12 की जो आपकी एग्जाम हुई तो उसमें टोटल आपका कितना मतलब नंबर का एग्जाम था, ये सारा डाल लोगे ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको परसेंटेज दिख जाएगी। फिर लास्ट में मैं पूजा कुमारी इसको जो घोषणा करती हूँ इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पे आई एग्री वाला पे, इस पर जो होता है ना इस पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा, इस पर क्लिक करके, और फिर आपको ठीक है ना आवेदक का स्वीकार ये सब सारे पे ये जो दिया है ना ये इस पे आपको सारे पे सिलेक्ट करके, और आपको क्या करना है आपको सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक कर दोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की टैब खुलेगी। ओके बच्चों, जैसे ही आप लोग आगे बढ़ जाओगे, आगे बढ़ने के बाद आपको यहाँ पे आपको फिर सेव एंड फिनिश का आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आफ्टर क्लिकिंग द ऑल डिटेल्स, आपको यहाँ पे सेव और फिनिश का भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा, और आपने जो जो आपने डाल रखा है आपको सब चीज शो होने शुरू हो जाएगी कि आपने सेव एंड फिनिश का आगे आपको ऑप्शन देगा, इस पे आप लोग क्लिक करके आप लोग आगे बढ़ जाओगे। जैसे ही आगे बढ़ जाओगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की टैब खुलेगी बच्चों। तो जैसे ही आप लोग आगे बढ़ जाओगे, आगे बढ़ने के बाद आपको क्या करेगा, यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन देगा, पेमेंट समझते हो ना, पेमेंट का ऑप्शन देगा, रजिस्ट्रेशन और आपका नेम ऑफ स्टूडेंट का ऑप्शन देगा, और यहाँ से आपको आगे पेमेंट का ऑप्शन देगा, तो पे नाउ पे क्लिक करके आप लोग अपना पेमेंट कर लीजिएगा। याद रहे ईवर ओबीसी के आपके ईवर ओबीसी से आपको 1000 और SC ST से आपकी 500 रुपये चार्ज आपकी ली जा रही है, ठीक है ना। ईवर ओबीसी से कितनी ली जा रही है, तो आप लोग बोलोगे सर 1000 और SC ST से आपकी 500 रुपये चार्ज आपकी ली जा रही है रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। और यहाँ से आप लोग पेमेंट आपका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, आपकी पेमेंट हुई है कि नहीं है, ठीक है। जैसे पेमेंट आप लोग आगे कर लोगे, जैसे पेमेंट आप लोग कर लोगे, पेमेंट के बाद यहाँ पे आपको दिखना शुरू हो जाएगा, लिख देगा कि योर ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुल, गो टू डैशबोर्ड। तो आपको क्या करना है, फिर आपको डैशबोर्ड पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब जैसे ही आप लोग आगे कर लोगे, अब आपको यहाँ पे च्वाइसेस का आपको ऑप्शन दिखना शुरू हो जाएगी, यहाँ पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा और आपको च्वाइसेस का आपको ऑप्शन पे आप लोग आगे बढ़ सकते हो। ओके बच्चों, अब जैसे ही अपने च्वाइस फिलिंग पे आप लोग क्लिक कर दोगे, च्वाइस फिलिंग वाले पे यहाँ पे आपको, तो देखिए आपकी सारे आपकी कॉलेज शुरू होना शुरू हो जाएगी। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आदर्श कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये सारे चीज आपको कॉलेज यहाँ पे आप लोग आपका शुरू होना आपको दिखना शुरू हो जाएगी। अब जिस कॉलेज को आपको डालना है, या तो यहाँ तो कंप्यूटर में रखे होंगे तो आप लोग ये स्क्रॉल कर करके भी आप लोग यहाँ पे अपना डाल सकते हो, या यहाँ पे जो आप जिस मान लो कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज सर्च करोगे ना यहाँ पे तुरंत, तो आपकी कॉलेज यहाँ पे आपको दिख जाएगी, और यहाँ पे उस पर क्लिक करके जो कॉलेज पे आपको आपको डालना है सेलेक्ट करना है उस पर कॉलेज पे क्लिक करके, और आप लोग क्या कीजिए यहाँ पे आपको ऐड वाले सेक्शन पे क्लिक कर लोगे तो यहाँ पे आपकी कॉलेज यहाँ पे आपकी ऐड हो जाएगी, ठीक है ना। फिर अगर आपको सेकंड कॉलेज डाली है तो फिर आपको सेकंड इधर जो भी आपको एक बार गवर्नमेंट कॉलेज आप लोग यहाँ पे आप लोग सर्च कर लोगे। सारे के सारे बच्चे से बोल रहे हैं कि अपना सर्च में सबसे पहले यहाँ पे, ओके बच्चों, सारे के सारे बच्चे से बोल रहे हैं कि सबसे पहले आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज ही डालेंगे। यहाँ पे जो सर्च टेक्स्ट लिख रहे हैं ना, यहाँ पे आप लोग सारे के सारे बच्चे एक बार गवर्नमेंट कॉलेज ही डालेंगे, सर्च करेंगे, आपको तुरंत इधर आपकी गवर्नमेंट कॉलेज उसका नाम आ जाएगा, और फिर यहाँ से उसको आप लोग सिलेक्ट करके और फिर आप लोग ऐड वाले सेक्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे ऐड वाले सेक्शन पे तो आपकी जो गवर्नमेंट कॉलेज है आपकी यहाँ पे आपकी ऐड होते जाएगी, ठीक है ना, इधर ऐड होते जाएगी।
तो सारे के सारे बच्चे ऊपर आपको आठों का आठों गवर्नमेंट कॉलेज आपको डालने की कोशिश करेंगे, उसके नीचे आपको जो प्राइवेट डालना है डालिए, अन्यथा नहीं डालना है नहीं डालिए, लेकिन सारे बच्चे ऊपर गवर्नमेंट कॉलेज ही आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, ठीक है, पूरा का पूरा सरकारी कॉलेज डालेंगे। तो ये सब सारे करके लास्ट में आपको क्या करना है, जब इधर आपकी इधर से आप लोग च्वाइस फिलिंग करोगे, मतलब कॉलेज सेलेक्ट करोगे, इधर आपकी ऐड होती जाएगी, और लास्ट में आपको क्या करना है, आपको सेव एंड प्रीव्यू वाले पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही सेव एंड प्रीव्यू वाले पे क्लिक हो गई, आपको यहाँ पे आगे आपको ऑप्शन देगा कि क्या आप च्वाइसेस लॉक करना चाहते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे आपको कॉलेज आपके यहाँ पे आपको फिर से अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कॉलेज आपको शो हो शुरू हो जाएगी, आपने कौन कौन से कॉलेज डाल रखा है, और लास्ट में आपको पासवर्ड डाल के जो आपकी पासवर्ड जो जिस अभी पासवर्ड से जिसने आप लॉग इन किया था अब फॉर्म भरने के टाइम पे उसी पासवर्ड को डाल के और आपको यहाँ पे लॉक कर लोगे, यहाँ पे आप लोग लॉक कर लोगे, लॉक करने के बाद आपकी फॉर्म सबमिट हो जाएगी और एडिट नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो एक बार बाद में आपकी एडिट हो या मत हो अलग चीज़ है, लेकिन सबसे पहले आप लोग अपना लॉक एंड फिनिश करके आप लोग अपना सेटलमेंट हो जाएंगे। और याद रहे आपको यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि पासवर्ड कौन डालना है लास्ट में च्वाइसेस लॉक करने के टाइम पे, तो जो पासवर्ड आपने आपके ईमेल आईडी और जो आपकी मोबाइल नंबर पर जो गई है ना जिससे आप लोग डाल के अपना लॉग इन किए हो, वहीं आपका पासवर्ड भी आपको यहाँ पे आपको आपको डालना है, बस उसके बाद से कहानी खत्म। लास्ट में आपको यहाँ पे प्रिंट जो च्वाइस प्रेफरेंस लिस्ट आपको दिखाई देगी, यहाँ से आप लोग अपना च्वाइसेस प्रिंट कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, ये बात आपका डाउट क्लियर कर दिए। तो याद से सारे बच्चों से हमने क्या बोला है, हमने यही बोला है कि बाबू आप लोग सारे के सारे बच्चे सर्च टेक्स्ट में सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज आप लोग डालने की सर्च करने की कोशिश कीजिएगा, और जो मिल जाए उसको इधर से आप लोग उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके और फिर ऐड वाले पे क्लिक करके इधर आप लोग ऐड करते जाइएगा, ठीक है ना। और लास्ट में क्या कीजिएगा, सेव एंड प्रीव्यू वाले पे क्लिक कर लीजिएगा, और लास्ट में सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद फिर आगे जैसे ही आप लोग आगे बढ़ जाओगे फिर आपको लॉक का ऑप्शन देगा, तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग यहाँ पे फिर पासवर्ड डाल के जिस पासवर्ड से आपने लॉग इन किया था और आप लोग अपना कॉलेज लॉक कर लोगे, और लास्ट में साइबर कैप से जाके या दुकान और लास्ट में साइबर कैप से जाके या दुकान से जाके आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे आप लोग अपना च्वाइसेस गवर्नमेंट कॉलेज की जो भी या प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट को आप लोग यहाँ पे अपना आप लोग अपना प्रिंट करा लीजिएगा, ठीक है ना। तो हम एक बार बताते हैं आपको गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन सी है बच्चों, तो जिन बच्चों को नोट करने के बाद नोट करते जाए, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए किस किस को आपको कॉलेज लिस्ट में आपको सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको सारे बच्चे को डालना, छत्तीसगढ़ बोल रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो आपकी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज आपकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे बीएससी नर्सिंग यहाँ पे 50 सीट है और आपके रायपुर में है, एक नंबर पे इसको प्रेफरेंस रखिएगा, आपको एक नंबर पे आपका है ये पूरा टॉप में आता है, ठीक है ना। ये बात आपका हम डाउट क्लियर करें, कॉलेज आप लोग च्वाइस फिलिंग में डाल सकते हो। देखिए सबसे पहले अपने प्रेफरेंस पे आप सारे के सारे बच्चे जवाहरलाल नेहरू डालेंगे, काफी पॉपुलर कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ पे रायपुर में यहाँ पे 50 सीट है, कॉपी में नोट कर लीजिए, ये आपकी च्वाइस फिलिंग आप लोग डालिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी ये भी सरकारी कॉलेज है, महारानी हॉस्पिटल कैंपस गवर्नमेंट, ये जो आपका है आपका जगदलपुर, यहाँ पे भी आपका 60 सीट है, ये भी आप लोग नोट करते जाइए, ठीक है। आगे आप लोग नोट करते जाइए सरकारी कॉलेज, हम यहाँ पे बता रहे हैं थर्ड पे आपको, यहाँ पे आपका तुरापानी गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे 40, यहाँ पे अंबिकापुर ये भी सरकारी कॉलेज है, फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गवर्नमेंट, यहाँ पे आपका मंगला चौक बिलासपुर, ये आप लोग सेकंड प्रेफरेंस डाल लीजिएगा, यहाँ पे छत्तीसगढ़, ये भी आपका रायपुर के बाद आपकी ये भी इसका सेकंड नंबर स्थान पे है, ये चौथी कॉलेज है, आप लोग कॉपी में नोट करते जाइए, यही सब आप लोग अपना लिस्ट वाइज में आप लोग डाल लीजिएगा। फिर आगे चॉइस पे लेंगे, फिर आपके आगे यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज है टीबी टावर रोड रायगढ़, यहाँ पे भी आपकी कितनी सीट है, तो आपकी 60 सीट है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, तो आप लोग आगे देख सकते हो यहाँ पे आपकी आपकी पटेल भिलाई दुर्ग, ये भी सरकारी कॉलेज है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कॉलेज ऑफ नर्सिंग, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गवर्नमेंट, यहाँ पे राजनंदनगांव, ये भी आपको सरकारी कॉलेज है, ठीक है। और लास्ट में हम आपको बता दें, लास्ट में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो आपका श्रीमती सुधा मेमोरियल कॉलेज ऑफ, ये आपके गवर्नमेंट, यहाँ पे अभी आपका कवर्धा कबीरधाम, ये भी आपका यहाँ पे सरकारी कॉलेज आपकी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये भी आपका सरकारी कॉलेज ही है, ठीक है ना, ये भी आपका सरकारी कॉलेज में। तो इतनी सारी आपकी जो आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट हो गई, एक बार कॉपी में नोट कर लिए होंगे सारे बच्चे, साथ ही साथ च्वाइस फिलिंग आप लोग ढंग से कीजिए, और बेहतरीन ढंग से अगर आप लोग को गवर्नमेंट कॉलेज च्वाइस फिलिंग अगर आपको दिक्कत आ रही है बिल्कुल आप हमें इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हो। तो ये देखिए आप लोग इस नंबर पे आप लोग यहाँ पे ये जो हमारी चैनल है इसको आप लोग सब्सक्राइब करके रखे रहिएगा, क्योंकि फिर जैसे ही सीट अलॉटमेंट आएगी हम आपको नोटिफाई कर देंगे सबसे पहले, और कौन डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है ये भी हम आपको नोटिफाई कर देंगे। साथ ही साथ जिन बच्चों को अगर हमसे भी काउंसलिंग करवाना है आप इस नंबर पे भी कॉल बैक करके आप लोग हमसे काउंसलिंग करवा सकते हो या कोई सजेशन ले सकते हो।
तो सारे के सारे बच्चे एक बार चैनल सब्सक्राइब करके रखे रहे।